हॉन्टेड चेयर। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आंगन में पड़ी लकड़ी की कुर्सी लगातार हिल रही थी। कहने को तो नई कुर्सी थी, लेकिन जब भी हिलती तो ऐसे चरमराहट की आवाज पैदा करती जैसे बरसों पुरानी कुर्सी हो। एक तो बाहर तेज चल रही हवा और ऊपर से कुर्सी की आवाज, दोनों ने मिलकर एक अजीब सा शोर घर में पैदा किया हुआ था। अंदर कमरे में सो रही लक्ष्मी ने झल्लाते हुए अपने बाजू में सोए अपने पति कमल को जगाया। क्या खटारा कुर्सी उठा लाए हो, आराम कम देती है, सर दर्द ज्यादा, कितना शोर मचा रही है। अरे तो जाकर उसे उठाकर अंदर रख दो ना, आंगन में क्यों छोड़ दिया है, बाहर हवा चलेगी तो कुर्सी तो हिलेगी ही ना। लक्ष्मी नींद में उठकर जाती है और कुर्सी को उठाकर अंदर ले जाने लगती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो कुर्सी को हिला तक नहीं पाती। उसे समझ में नहीं आता कि वो चेयर इतनी भारी कैसे हो गई थी। लक्ष्मी चिल्ला जाती है और गुस्से में फिर से अंदर चली जाती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी और कमल सोकर उठते हैं तो लक्ष्मी देखती है कि चेयर कमरे के अंदर रखी है। अरे ये चेयर यहाँ कैसे आई, ये तो कल रात बाहर आंगन में थी ना। अरे तुम पागल हो गई हो क्या हा? अरे कल ही तो तुम उसे उठाकर अंदर लाई थी। नहीं तो मैं इसे अंदर नहीं लाई, ये इतनी भारी है मुझसे तो उठी ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, ये अपने आप चलकर अंदर आ गई होगी। बस अब एक काम करो, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। अब कमल अपने ऑफिस चला जाता है और लक्ष्मी अपने घर के कामों में लग जाती है। घर के काम खत्म करने के बाद लक्ष्मी कुछ देर अपने आंगन में धूप में बैठने के लिए सोचती है। थोड़ी देर चेयर लगाकर बाहर धूप में बैठ जाती हूँ, लेकिन चेयर तो बहुत भारी है। कोई नहीं, एक बार कोशिश करती हूँ, वैसे भी शायद कल मैं नींद में थी इसलिए भारी लगी होगी। लक्ष्मी जैसे ही चेयर के पास जाकर उसे उठाती है तो वो उसे बहुत हल्की लगती है और वो चेयर लेकर बाहर आंगन में लाकर धूप में बैठ गई। अपनी आंखें बंद किए लक्ष्मी आराम से धूप में सुस्ता रही थी कि तभी जैसे लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली तो उसे धूप में एक औरत की परछाई नजर आई जो उसी चेयर पर बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। अरे ये मेरे बाल तो बंधे हुए हैं और चेयर पर तो मैं बैठी हूँ, पर ये परछाई किसकी है। लक्ष्मी हड़बड़ाकर चेयर से उठती है, लेकिन उसके उठ जाने के बाद भी वो परछाई वहीं की वहीं रहती है, जिसे देख लक्ष्मी के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। लक्ष्मी डर के मारे घर के अंदर की तरफ भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेती है, जिसके बाद वो कमरे की खिड़की से छुपकर उस नजारे को देखती है। वो चेयर अब जोर जोर से हिलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उस चेयर पर बैठकर उसे जोर जोर से हिला रही थी। लक्ष्मी ने अपने घर का दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही देर के बाद अचानक से वो चेयर हिलना बंद हो गई। लक्ष्मी अपने कमरे की खिड़की से आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देखे जा रही थी कि तभी अचानक लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। लक्ष्मी डर कर जोर से चिल्लाई, तभी उसे अपने कानों में किसी की बहुत धीरे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ और खबरदार, जो मेरे बारे में कभी किसी को बताया तो। लक्ष्मी डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। कमल ऑफिस से लौट कर आता है।
तो लक्ष्मी से घर का दरवाजा खोलने के लिए आवाज देता है, लेकिन काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुलता। कि लक्ष्मी को हुआ क्या है? इतनी गहरी नींद तो वो कभी नहीं सोती कि दरवाजा न खोले। रात के 8 बजे है और इतनी जल्दी लक्ष्मी को नींद भी नहीं आती। आखिर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तभी अचानक झटके से घर का दरवाजा अंदर से खुल जाता है। कमल ये देखकर हैरान रह जाता है कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। वो दौड़कर अपने कमरे के अंदर जाता है और वहां पर लक्ष्मी को जमीन पर बेहोश पड़े देखता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो, उठो लक्ष्मी। अरे क्या हुआ है तुम्हें? और तुम यहाँ जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? कमल, मुझे बचा लो, वो औरत मुझे मार डालेगी। कमल, अरे कौन सी औरत? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? वो जो लकड़ी की चेयर तुम लेकर आए हो ना कमल, वो बहुत मनहूस चेयर है। उस पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है और वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो उस चेयर को तुम वापस उसके मालिक को दे आओ कमल, वापस कर दो। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि उस चेयर को लेकर तुमने अपने दिल में कुछ ज्यादा ही वहम पाल लिया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कमल लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है और रात को वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन आज लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजरें अब भी खिड़की के ठीक सामने आंगन में रखी हुई चेयर पर ही अटकी हुई थी। कुछ ही देर के बाद लक्ष्मी की पलकें अपने आप बंद हो गई, पर तभी अचानक खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज और साथ में चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर लक्ष्मी की आंख खुल गई। उसने देखा उसके कमरे की खिड़की पर एक औरत खड़ी हुई है जिसने दुल्हन का लाल चूड़ा और बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। कमल, कमल देखो, देखो सामने कौन है। कमल, कमल मैंने तुमसे कहा था ना। लेकिन लक्ष्मी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके बार बार जगाने के बाद भी कमल अपनी नींद से उठ नहीं पा रहा था। कौन हो तुम और क्या किया है तुमने मेरे पति को? वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। तुमने अपने पति को क्यों बताया? मुझे माफ कर दो, वो मैं डर गई थी। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत लक्ष्मी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी पायलों की आवाज करते हुए धीमे धीमे कदमों से चलकर सामने चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब लक्ष्मी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कभी कमल की तरफ तो कभी सामने बैठी हुई इस औरत की तरफ देखती है। और कुछ ही देर के बाद लक्ष्मी के होश उड़ गए जब उसने देखा कि उस औरत की गर्दन अचानक से गायब हो गई और सिर्फ उसका धड़ उस चेयर पर आराम से पैर फैला कर बैठा हुआ है। नहीं, नहीं, ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्मी ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और इस बार चूड़ियों की खनखनाहट लक्ष्मी को अपने बहुत पास सुनाई थी। घबराकर जैसे ही लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुल्हन का जोड़ा पहने एक औरत उसके बिस्तर पर उसके सामने बैठी है। उसकी कटी हुई गर्दन का बहुत बड़ा निशान है जहां से लगातार खून बह जा रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? तुझे अपने पति का कत्ल करना होगा। पकड़िए चाकू और काट दे इसका गला। बस इतना ही काम है, इसका गला। पागल हो गई हो तुम? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? क्योंकि इसने इस लकड़ी के चेयर पर मुझे बिठाकर मेरी शादी की पहली रात पर मेरी गर्दन काटकर मेरा खून कर दिया था।
मेरे डर से मेरी गर्दन ही अलग कर दी थी इसने। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे इस पति ने पहले मुझसे शादी की और जब मेरे बाप ने दहेज में इसे बहुत सारे पैसे नहीं दिए तो इसने धोखे से मुझे गला काट कर मार दिया। आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, मार देने से नहीं तो ये तुम्हें भी ऐसे ही मार देगा। नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती, झूठ बोल रही हो तुम। लक्ष्मी के इतना कहते ही वो औरत अचानक से लक्ष्मी के चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख देती है और अब लक्ष्मी को कमल और उस औरत की शादी की सारी घटनाएं एक एक करके नजर आने लगती है। लक्ष्मी को ये भी नजर आता है कि किस तरह कमल ने उसका कत्ल किया था। वो घबरा कर डर के साथ अपनी आंखें खोल देती है। तुम सही कह रही थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कमल ऐसा कुछ भी कर सकते। ये तो तुमने बीता हुआ कल देखा, अब मैं तुम्हें आने वाला कल भी दिखाती हूँ। इसके बाद सुमन ने एक बार फिर अपने दोनों हाथों को लक्ष्मी के चेहरे पर रखा और तब लक्ष्मी को देखा कि कमल लक्ष्मी को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्मी एक बार फिर से घबरा कर झटके के साथ अपनी आंखें खोल देती है और इस बार बिना कुछ सोचे समझे उस बड़े से छुरे से कमल का गला काट देती है, जिसके अगले ही पल वो कुर्सी वाली सिरकटी आत्मा जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है।